Calling attention, Sabine Ghori Sahiba. Attention of the Minister in charge of the Cabinet Secretariat to a matter of urgent public importance regarding non-inclusion of newly introduced degree courses like business data analysis and others in the fee reimbursement scheme for children of federal government employees under the benevolent fund, causing grave concern among the public. Sir, two important points hain. Nahi, aap, ek to, ab unko minister sahab ko jawab dene dein. Do you get chance to ask one question? Ji, Ali Parvez sahab. Oh, inhone kaha ji? Ye Ali Parvez sahab jawab de rahe. Aap sir, nahi. Tar sahab, aap de dein sir ko isme. I am. Chale, theek. ठीक अच्छा ठीक सर सर ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जिस इशू की निशानदेही की है मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि बेनेवलेंट फंड जो है इसके अपने ट्रस्टीज हैं ये अपने कवानीन के मुताबिक चलता है पर जब से इस कोर्स के इंक्लूजन की दरख्वास्त आई है वो ट्रस्ट की तरफ से हायर एजुकेशन कमीशन को चली गई हुई है कि जी इसको इंक्लूड कर लें तो अब ये मामला उनके पास पेंडिंग है और उसको हम जल्द अज जल्द परसू करवा के इंक्लूजन की कोशिश करते हैं शुक्रिया जी गौरी साहबा एक सवाल पूछिए प्लीज़ अच्छा सर इसमें सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ एक तो ये कि आपको पता है कि हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं वो आजकल ट्रांसफॉर्म हो रही हैं टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी बुनियादी ज़रूरत है कि डेटा एनालिसिस डेटा साइंसेस साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसकी डिग्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया में हमारे बच्चे जल्द अज जल्द जो है ना वो इसकी तरफ माइल हों और इसे हासिल करें और सेकेंडली जो हमारे जो जितने भी सर्विस मैन हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी हमने उन पर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं तो आपको पता है कि जो ये हायर एजुकेशन की डिग्रीज़ हैं ये कितनी एक्सपेंसिव हैं टू स्टडी तो अगर हम इसमें अपने इन बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे महरूम हो जाएगा तो जल्द अज जल्द मुझे ये क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि ये कब तक पॉसिबल हो सकेगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक सवाल अली परवेज साहब का माइक दूसरा कॉलिंग अटेंशन भी लेना है प्लीज सर जो तकरी तो नहीं हो सकती ना कॉलिंग थैंक यू जो ऑनरेबल मेंबर साहिबा जो इफादियत इस कोर्स के बारे में बता रही है मैंने तो उसको तस्लीम करते हुए आपसे कहा कि उसकी इंक्लूजन के लिए वो हायर एजुकेशन कमीशन ने और जो बल्कि एक कमेटी एक नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसको दरख्वास्त कर दी गई है मैं उनसे परसू करके जल्द अज जल्द इसको इंक्लूजन की कोशिश करूंगा और ये बेसिकली ट्रस्टीज़ का काम है और उन्होंने इसके ऊपर लिख दिया गया बेनेवोलेंट फंड शुक्रिया शुक्रिया मिस राना अंसार साहब नॉट प्रेजेंट मिस्टर मोहम्मद मुइन अमीर पीरजादा साहब टू आस्क वन क्वेश्चन सर ये मिस्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि बेनेवोलेंट फंड तो एम्प्लॉयज़ का एक हक होता है वो उनकी सैलरी से ही डिडक्ट होते हैं सारे पैसे गवर्नमेंट ये जो उनको देती है पैसे इन कोर्सेज़ का या इसके अलावा तो इसके टाइमिंग्स क्या होती हैं कितने अरसे में उन्होंने इसको रिइंबर्समेंट करनी होती है और ये लेट क्यों होता है काफ़ी लोग इस सिलसिले में परेशान होते हैं शुक्रिया मिनिस्टर साहब सर ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने जिस मामले की तरफ और डिलेड पेमेंट्स की तरफ निशानदेही की है मैं गुजारिश ये करूँगा सर कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये जो मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाह से पैसे कट के ये फ़ंड के अंदर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो जो उनका अपना एक ट्रस्टीज़ का बोर्ड है उसके अंदर इन्होंने फ़र्क फ़र्क स्कीमें उसके अंदर तय की गई हैं जिनमें से दो तीन स्कीमें हैं जो आपके तालीमी वज़ाइफ जो हैं उनकी तरफ जाती है और एक स्कीम ये है जिसकी रीइंबर्समेंट की इन्होंने बात की है जिसमें 1,00,000 रुपए तकरीबन सालाना आप जो सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तलबा होते हैं उनके जो मुलाजमीन होते हैं उनके बच्चों की कॉस्ट को आप रीइंबर्स करते हैं तो एक ये मामला है और दूसरा जो है वो है कि अगर आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक स्टाइपेंड दिया जाता है जिसकी मद जो है वो तकरीबन जिसकी हद तकरीबन 40,000 रुपए सालाना है उसके अंदर डिले पेमेंट के अंदर आना नहीं चाहिए क्योंकि ये फंडेड स्कीम्स होती हैं अगर कोई इनके पास किसी ने कोई कंप्लेन की है या कोई मामला है तो ये मेरी तरफ
उसको रुजू कर दें, मैं इंशाल्लाह उसका जल्द अज जल्द मामले को हल करवा देता हूँ। पर मैं गुजारिश जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आगे ये एक्चुरियल एनालिसिस, ये पैसे तो कट जाते हैं बट इसके बाद एक्चुरियल एनालिसिस करके क्या ये फंड आगे जिस किस्म की उसके ऊपर अखराजात होने जा रहे हैं उसका बोझ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, उसके मुताबिक स्कीमों को दोबारा एक दफ़ा से नज़रसानी करने की जा रही है, और मैं जो इनके खदशात हैं उसके अंदर भी कमेटी तक पहुँचा दूँगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर फरहान चिश्ती साहब। तो आस्क वन क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से कि आईए कोर्स का कब तक ये इसको इसमें लेके आ रहे हैं स्कीम में, ये ज़रा पूछना है। और सर मुझे ये पूछना है ये प्राइमरी और सेकेंडरी में भी ये इसको रिम्बर्स का पॉलिसी डाल रहे हैं, डालेंगे कब तक डालेंगे? ठीक है शुक्रिया जी। मिनिस्टर फाइनेंस सर, ये आईए का कौन सा कोर्स, ये जो बिजनेस डेटा एनालिसिस की जो बात? अच्छा सर, वो मैंने जिस तरह से गुजारिश की है कि 9 तारीख को ये मामला ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने टेकअप किया, शायद इसके बारे में इसके सिलसिले में एक सवाल भी इन्होंने किया था, उसी दिन जो आपका ये फेडरल एम्प्लॉज़ बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स की तरफ से खत चला गया था जो नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल के पास पेंडिंग है, मैं उनसे रुजू करके परसू करके रिमाइंडर भिजवा के जल्द अज जल्द इसको वापस ले आऊँगा। पर इसको इस पस मंज़र में भी देखें कि शायद ये सारी स्कीमें एक्चुरियल एनालिसिस के बाद तब्दील होने जा रही हैं, और जिस तरह से ये जो तालीमी वज़ाइफ़ हैं इसके अंदर तकरीबन 40,000 लोगों को पिछली दफ़ा अकोमोडेट किया गया था, इसका हुजम शायद वैसे सुकड़ने की तरफ जा रहा है, और आप मेरिट के बेसिस के ऊपर 1,000 लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी के जो तालिबे इल्म होंगे उनको ये वजीफे मिलेंगे, और आपको 1,000 लोग जो स्टाइपेंड और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं उनको मिलेंगे, तो ये सारी स्कीमें जो है रिवाइज होने जा रही हैं, तो इसका हुजम और इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको नज़र में देखते हुए हमें इसका फैलाओ और इसका जो हुजम है उसको मैनेज करना पड़ेगा, और ये सोली ट्रस्टीज़ की जिम्मेदारी है बेस्ड ऑन एक्चुरियल एनालिसिस, और वो उसके मुताबिक आगे लेके चल रहे हैं सर। शुक्रिया मिनिस्टर लॉ साहब, ये सेकंड जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है उसको आप जवाब देंगे? ओके ओके। आइटम नंबर 4,